बाहुबली जैसे सेट पर हुई ये शाही शादी। हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आरती तो पर स्वागत करती हूँ वीके न्यूज में। आपने शादी तो कई देखी होंगी जिन्हें लोग देखते ही रह जाते हैं, साथ ही उस शादी की चर्चा हर जुबान पर भी रहती है। आपने दीपवीर की शादी देखी, हाल ही में मुंबई अंबानी के बेटे की शाही शादी देखने को भी मिली थी। वैसे ही आज हम आपके लिए एक ऐसी ही शाही शादी आपके लिए लाए हैं जिसे देख आप शायद अंबानी के बेटे की शाही शादी भी भूल जाएं। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के हिल स्टेशन औली में गुप्ता बंधुआ की शाही शादी की। यहाँ ये शाही शादी पूरे 5 दिन तक चलेगी, यानी 18 जून से 22 जून तक। शादी की रस्में 18 जून से शुरू हो चुकी थी। इस शादी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आपको बता दें, सभी इंतजाम पर भारी खर्च किया गया है। यह शादी उत्तराखंड के मशहूर स्कीइंग रिसोर्ट में हो रही है। मेहमानों के लिए 5-स्टार फैसिलिटीज का इंतजाम भी किया गया है। शादी में बाहुबली जैसे भव्य सेट लगाए गए हैं। प्राचीन स्तंभ और बड़े बड़े घंटे सजावट में 4 चांद लगा रहे हैं। बता दें कि यहां उद्योगपति अजय गुप्ता के बेटे सूर्यकांत की शादी हीरा व्यापारी सुरेश सैंगल की बेटी कृतिका सैंगल से 20 जून को हुई थी, जिसमें 101 पंडितों ने ये शादी संपन्न कराई। शादी में सबसे ज्यादा मंडप ने सुर्खियां बटोरी, क्योंकि मंडप को बाहुबली फिल्म के अंदाज में राजमहल की तरह सजाया गया था। औली की सड़कों पर भी फूलों से शानदार सजावट की गई है। शादी खास है तो मेहमानों का खास होना भी लाजमी है। उद्योगपतियों के साथ साथ बॉलीवुड के जानी मानी हस्तियां भी शादी में शिरकत कर रही हैं, जिसमें पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण, परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए। इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ, उर्वशी रोटेला, पंजाबी रैपर बादशाह, इंडियन आइडल शो के विजेता सिंगर अभिजीत सावंत, बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर, एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, कैलाश खेर और नागिन स्टार सुरभि ज्योति भी औली पहुंची। शादी में मिस कैफ ने अपने हुस्न के खूब जलवे बिखेरे, जिसे देख सभी मेहमानों की नजरें उनसे हट नहीं पाई। शादी में आने वाले 150 मेहमानों के लिए 10 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है, लेकिन हेलीकॉप्टर की लैंडिंग जोशीमठ में की जा रही है। जोशीमठ से उतरकर गाड़ियों के जरिए मेहमान औली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, शादी से पूर्व गुप्ता बंधुआ ने जोशीमठ के 2 गांव के लोगों के लिए भोजन और दान दक्षिणा की व्यवस्था भी की गई थी। खबरों के अनुसार सिर्फ हेलीकॉप्टर का किराया 2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। शादी के साथ साथ यहाँ पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि शादी में पर्यावरण के चलते कुछ विवाद भी सामने आए थे। इसके बाद पर्यावरण के खतरे को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शादी में मॉनिटरिंग करने का निर्देशन दिया था। हाईकोर्ट ने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने के निर्देशन देने के साथ साथ ऑर्गेनाइजर को सिक्योरिटी के तौर पर 3 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश भी दिया, जो कि 21 जून से पहले जमा किए जाने थे। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगर पर्यावरण मानकों का उल्लंघन होता है तो जमा की हुई राशि वापस नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से मॉनिटरिंग को लेकर DM को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोर्ट ने उत्तराखंड की खूबसूरती खराब ना करने की भी चेतावनी दी है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।